तो हेलो दोस्तों, मैं हूं पुतंदर। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट आर्म रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रैंकिंग बेस्ड होगी किस आर्म रेसलर ने कितना कंट्रीब्यूट किया आज आर्म रेसलिंग को इस मुकाम पर लाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर होंगे द जॉर्जियन हल्क फ्रॉम जॉर्जिया लेवान सगीनाश्विली, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर मे बी ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज इनका वेट है 178 kg। आप बिलीव कर सकते हैं, 178 kg इनका वेट है और हाइट है 6 feet 3 inches। तो इनके रिकॉर्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 से अभी तक ये अनबीटेबल है और कोई भी राउंड नहीं हारे सिवाय अर्मिस गैस्परिनी के, जो किंग ऑफ द टेबल 6 में इनका मैच हुआ और 4-2 से ये जीते। लास्ट के 2 राउंड ये अपनी सांस के कारण क्विट कर गए। तो नंबर 4 स्पोर्ट पर बात करते हैं आंड्रे पुष्कर की, जिनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो आर्म रेसलिंग को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। तो अपने पीक टाइम पे इन्होंने बड़े बड़े आर्म रेसलर्स को हरा रखा है, जैसे कि जॉन बर्जैंक को। और अगर इनकी चैंपियनशिप्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हैं, 15 times वर्ल्ड चैंपियन, 16 times यूरोपियन चैंपियन और बहुत सारी चैंपियनशिप्स अलग से भी। हालांकि ये 2018 में कार एक्सीडेंट की वजह से ये हमारे बीच में नहीं रहे, बट ही इज द गॉट। तो नंबर 3 स्पोर्ट पे बात करते हैं द गॉट डेनिस सप्लेनकोव की फ्रॉम रशिया। तो इन्होंने अपने पीक टाइम पे बड़े बड़े आर्म रेसलर को धूल चटाई है, जैसे कि डेवन लैरेट, जॉन बर्जैंक, आंद्रे पुष्कर और बहुत सारे आर्म रेसलर को इन्होंने अपने टाइम पे आसानी से हराया है विदाउट एनी फेशियल रिएक्शन। तो अपने बैड हेल्थ कंडीशन के बाद इन्होंने दोबारा से डेब्यू करा है 2018 के बाद, लगभग 4-5 साल के बाद इन्होंने दोबारा डेब्यू करा और जॉन बर्जैंक को हराया है रिसेंटली विद 6-0। हालांकि पहले ये 2 बारी हार चुके हैं बड़ी बुरी तरह से जॉन बर्जैंक से। हालांकि कुछ लोगों का कहना है ये कि ये तब इतने एक्सपीरियंस नहीं थे जितना कि आज हैं। तो नंबर 2 पर होंगे हमारे द ग्रेट डेवन लैरेट फ्रॉम कैनेडा। नो लिमिट्स डेवन लैरेट के बारे में मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम सब आर्म रेसलिंग को जानते ही इनकी वजह से हैं। इन्होंने जापान में, इंडिया में बहुत सारी जगहों पर अपना जलवा बिखेरा है और ये द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में मेरे हिसाब से जॉन बर्जैंक और इनका नंबर मैच होता है। और अगर इनकी चैंपियनशिप्स की बात की जाए तो इन्होंने लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों में विजेता रहे हैं और नंबर 1 स्पॉट पर रहे हैं। इन्होंने अपने टाइम पे बड़े बड़े आर्म रेसलर्स को धूल चटाई है, जैसे कि आंद्रे पुष्कर, जॉन बर्जैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नंबर 1 की, और नंबर 1 की बात मैंने नंबर 2 के साथ ही कर दी है। तो वो होंगे हमारे द गोट, जिनको जाना ही गोट के नाम से जाना जाता है, वो हैं द जॉन बर्जैंक, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द परफेक्ट स्टॉर्म, और आप बहुत सारे नाम उनके जान सकते हैं। और इनके बारे में मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, जाके सर्च कीजिए और इनके मैच देखिए।